हमने कैंसिल कर दिया, सीधे जा रहे हैं अब हिमाचल की तरफ, सीधा कारू, कार से फ्यूल डलवाएंगे और वहीं सो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मनाली तक 350 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं है। नयोमा, नयोमा 21 किलोमीटर, वहाँ जाके कुछ खाए पिएंगे फिर निकलेंगे डायरेक्ट। ऐसी फील आ रही है कि मैं राजस्थान में हूँ, लेकिन ये पहाड़ वो फीलिंग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये रेत राजस्थान की फील दे रहा है, बिल्कुल राजस्थान, प्योर डेजर्ट है, प्योर डेजर्ट। जैसी सैंड वहाँ होती है राजस्थान में, वैसी सैंड यहाँ पे है। HR 29 JK क्रिकेट चल रहे भाई, कैसा ऑफ रोड है भैया। और जब भी ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, हमारे कुछ ऐसी जगह आती है जो नहीं दिखानी होती। वी आर रिच नियोमा और वहाँ यहाँ पे बटर में बनवा रहे हैं सारा सौदा, ऑर्गेनिक हो रहे हैं थोड़े थोड़े। नहीं ऑर्गेनिक तो नहीं है फिर भी ठीक है। हाँ, काम चलाने वाला काम करेंगे और आलोक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाइक देना दे आलोक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और घर वालों से बात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा, कारू पेट्रोल पम्प है। मेरे वाले अभी तक बिना पेट्रोल पम्प के चल रही है, मतलब एक बार ही फ्यूल करवाया था नूबरा में, उसके बाद ऐसे ही चल रही है। इसने 5 लीटर डाल लिया, उसने भी डाल लिया, इसने भी डाल लिया, बाकी देखते हैं कारो तो क्या रिपोर्ट रहती है। अभी खा के फिर निकलते हैं जल्दी से, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, क्या दिखाऊंगा खाना आपको। सुबह से अभी तक एक बार ही खाया, कहीं का भाई साहब सुबह से खाना ही नहीं दिखाया, क्यों भाई साहब सुबह से पानी पे चल रहे। टाइम क्या हो गया यार वैसे? 12:30 तो भाई साहब खाएंगे चाउमीन। नहीं ये भी खाऊंगा मैं। ये भी खाएगा, बड़ा भूखड़ है यार। और वो जुटा हुआ है आमलेट पे, ब्रेड आमलेट पे, बस खा के निकलते हैं। लो भाई खाना वाना हो गया, अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। चैन पूरी वाइट हो गई मिट्टी में चल चल के। अरे यार इतनी गंदी आंधी चल रही है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से ड्रोन शॉट लिया। ये तो ड्रोन ही बड़ा तगड़ा वाला है जो कि उड़ता नहीं है। लेकिन मेरी नानी याद आ गई यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने में, मेरा हेलमेट गिर गया,
मेरे ग्लव्स गिर के उड़ गए। मेरा हेलमेट गिरता है सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। हाँ हाँ और तेज जा, और तेज जा, इतनी है ना मेरे को उड़ा ले जा। क्यों क्या चलो मन क्या दिक्कत है, चलो देखी जाओगी। तो यहाँ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, बिना पेट्रोल पंप 411 किलोमीटर। अब रास्ते में ब्लैक में लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है कहीं भी। चलो मेरी तो पांग तक चली जाएगी, मेरी तो जान है पूरी। अब देखते हैं पहले धक्का कौन मारेगा या फिर ब्लैक में लेगा। मुझे तुझ पे यकीन है, 100 किलोमीटर तू आराम से चलेगी 124। और कारू होके जा रहे थे तो किलोमीटर थे 220 किलोमीटर पड़ रहा था रास्ता, और यहाँ से डायरेक्ट जाने में 80 किलोमीटर पड़ रहा है वही रास्ता। तो मतलब सीधा सीधा 140 एक किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा उधर से जाने में। अब उस वजह से हमें ब्लैक में लेना पड़ेगा हर किसी को। मैं तो अपना टैंक फुल करा के निकलूंगा तो मेरा मनाली तक रुकने वाला नहीं। कितनी प्यारी बेड है वो छोटी सी। ब्लैक मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे, ब्लैक मार्केटिंग। इन्होंने डलवाया ब्लैक में 5-5 लीटर और हम चल रहे हैं ऐसे ही। मन तो नहीं था लेने का ब्लैक में, बट मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी बाइक कितना चलेगी बेचारी एक टैंक में। कोई बात, शॉर्टकट ही शॉर्टकट चल रहे हैं, लॉन्ग कट तो ले ही नहीं रहे। काफी खतरनाक है ये शॉर्टकट। पिछली बार मैंने कोई भी शॉर्टकट ट्राई नहीं किया बिकॉज मैं अकेला था आते हुए, और अब जाते हुए और आते हुए मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचर किट भी है, पंप भी है। पूरी जान लगी हुई है बाइक की, अगर एक आदमी ऐसे धक्का दे तो पंखा फट जाए। बेचारा इंजन इतना जोर लगा रहा है। पैंगोंग से लेके यहाँ तक अभी तक हमने मैक्सिमम 5 किलोमीटर की रोड देखी होगी, इससे ज़्यादा हमने रोड नहीं देखी। सारा एडवेंचर हो रहा है, सारा ऑफ रोड हो रहा है। तो कभी कभी कहते हैं ना भगवान सुन लेता है, तो सुन ली, सारा ऑफ रोड करा दिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया भगवान आपने सोच के ही कराया होगा कुछ। बस आज पांग पहुंचना है
बस पांग नेटवर्क मिल जाए, नेट मिल जाए, मजा आ जाएगा। और बस बाकी सब बढ़िया। दोबारा से कोई शॉर्टकट आएगा तो शॉर्टकट लेंगे, अदरवाइज ये है ही ऑफ रोड तो शॉर्टकट भी ऑफ रोड है, तो अच्छा है कि शॉर्टकट लो, वो ज़्यादा प्लेन होता है इसके बजाय, इससे ज़्यादा प्लेन होता है शॉर्टकट। जो भी मेरा लाडला इस रोड से आ रहा है, एक तो रिक्वेस्ट है वो पंचर किट कैरी करे, पूरा सामान कैरी करे, उसके बावजूद भी अकेला ना आए बिल्कुल भी, बिकॉज मैं नहीं चाहता यार कभी कुछ होए तुम्हारे साथ। अगर यह पंचर भी होता है ना लाडले, तो ये सोच लो कि आपको बचा नहीं सकेगा कोई। जो ठंडी हवा चलती है ना नाइट में यहाँ पे, ओह माय गॉड, बस पूछो ही मत। और ऊपर से खाना नहीं मिलेगा, आसपास कुछ है ही नहीं। पत्थर नहीं इसके नीचे, आप ठीक हो? पैर फंस गया इसका, हाँ ये पत्थर लग के टेढ़ा हो गया होगा। ये उतर के चल सका काम है? हाँ टायर तो खा जाओगी क्योंकि बंगा हो गया ना, चिंता बैठा होगा चिंता। हाँ ज्यादा स्पीड में थे, दे सिर भी लगा होगा छह दिन का। आपका सिर भी लगा इधर? पत्थर लगा। ये निकला पड़ा इसका एक्सल निकल गया इसका, इसका स्विंग आर्म मुड़ गया लेफ्ट राइट वाला और एक्सल निकल गया। मैकेनिक भी पार्ट लेके आएगा तभी स्टार्ट होएगी। एक्सल बैंड हो गया, एक्सल मुड़ गया, सॉरी स्विंग आर्म मुड़ गया और एक्सल निकल गया। लेफ्ट वाला राइट वाला सॉरी। अब ये चलेगी नहीं इस पे, आप कोई आए ना लिफ्ट लेके चले जाना, ठीक है? ओके टेक केयर। पहले तो मैं सोचा कि पत्थर नीचे आ गया, गलती से गाड़ी ऊपर चढ़ गई और पत्थर नीचे आ गया, गाड़ी पत्थर पे टिकी हुई है। फिर नीचे घुस के देखा तो पत्थर नहीं था, फिर मैंने बैक गियर लगा के इसको नीचे उतारा, उतर गई। जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे पीछे गया अब देखा तो इसका राइट वाला स्विंग आर्म मुड़ा हुआ है। हमने तो ऑफर किया था इनको कि हम पीछे आपको गांव में छोड़ देते हैं, आप हेल्प लेके यहाँ पे आ जाना वापस, और इनको पीछे जाना नहीं था। ये बोले कि नहीं हमें आगे जाना है, तो कोई आएगा तो लिफ्ट लेके चले जाएंगे। बाकी बड़ी मुश्किल है यार इस रोड पर, काफ़ी देर तक एक गाड़ी नहीं मिल रही हमें, हमें कम से कम एक घंटे से कोई गाड़ी नहीं मिली है। भगवान हेल्प करना इनकी प्लीज़, छोटी सी बच्ची है प्यारी सी साथ में, जल्दी से कोई हेल्प कर दो इनकी, हमसे जितना हो पाया हमने किया। वो टीनू चाइना बॉर्डर चला गया क्या? चढ़ गया पूरा ऊपर। अरे बेवकूफ। और वो कहाँ है? वो तो चले गए।
जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने अपना ड्रोन 7000 फुट दूर भेजा। विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा और हमारे मोहित भाई साहब नहीं मिले। ऑफ रोड का इतना चस्का चढ़ा के भाई साहब चाइना बॉर्डर की तरफ निकल लिए। और अभी लाइट दिख रही थी, अब नहीं दिख रही भाई साहब। आधा घंटा हो गया, अब दिख रही है हल्की फुल्की लाइट। क्या हुआ टीनू साहब? अच्छा नहीं लगा आपको? चाइना बॉर्डर कैसा लगा आप ये बताइए जरा। चाइना बॉर्डर कैसा था? अरे तुमको पता था है? तुमने देखा था मैं जल्द चढ़ गया। हाँ रुक के मारे, चिल्ली मारी, हॉर्न मारे, यहाँ से चढ़ रहे बट आप क्या असर ही नहीं हुआ। पानी पिला दो भाई। तेरे चक्कर में 7000 फुट दूर भेजा था मैंने ड्रोन, तेरे चक्कर में मैं गया कड़े पाया। मैं कौन ही पाया, 7000 फुट तक भी दूर जा रहा था तू। मेरा जी जाने में क्यों कर उल्टा है रे। इसका जी जाने रे, मारा जी देख ना, उड़े जान जोगे ना आड़े खड़े होने जोगे, हम ना पछ जान जोगे, तेल भी कौन था मर तेरे पिल्ले सोच के बन रही है। मारे टीनो का कहना था कि उसका अलग सूख गया, अलग तो सूखेगा, स्नाइपर लागर गोली बट देने सर पे। अब ऐसे भाग्य जा रहा जैसे पेट्रोल का फुआ लगा रखा हो। चलो भाई मारी वाट लगा दी यहाँ पे। ये नजारा देख रहे हो, ये नजारा देख रहे हो, वो नजारा देखो। इधर छाया उधर धूप, पूरी की पूरी धूप। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया देख के। फाइनली वी आर ऑन हाईवे। पांग यहाँ से है 42 किलोमीटर और पांग से आगे देखेंगे क्या है। फिलहाल पांग यहाँ से 42 किलोमीटर है और अब स्पीड काफ़ी स्पीड से रहेगी, 80, 85, 90 ऐसे चलेंगे, जितना भागे के भगाएंगे, बिकॉज फुल ऑन हाईवे है और मज़ा आ जाएगा। जल्दी से पहुँच जाएंगे, 40 किलोमीटर है और मेरी बाइक 40 किलोमीटर मजाक मजाक में कर लेगी, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड बनाई है, देख सकते हैं आप अभी भी, ये थोड़ा सा मसाला डाल के सुखाने की कोशिश की है, बिल्कुल नई रोड है, शायद कल ही बनी हो, इतनी नई रोड है। और मज़ा आ रहा है यार इस पर भगाने में, क्योंकि काफ़ी दो दिन से हम ऑफ रोड पे ही चल रहे थे और इस पर भगाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड है यार, मज़ा आ गया। और पांग यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया, लोकेशन गंदी आ गई, आलोक को आगे रखता हूँ। जब तो प्लेन सा रोड था, अब पहाड़ी इलाका आ गया बहुत ही गंदा वाला, तो मैं आगे नहीं चल सकता। चल आगे चल, यही है पांग मेरे ख्याल से। पिछली बार रोता गया था यहां से मैं, बारिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। चल 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 चल, ठंड में अकड़ गया था। शॉर्टकट मारता हूँ, हमें कौन सा लॉन्ग कट से ज्यादा प्यार है।
ये होते हैं मोहित शॉर्टकट। थोड़ी सी देर में इतनी ऊंचाई से यहाँ आ गए और यहाँ पे उतरने के बाद हवा थोड़ी सी कम हुई है और वो जो मैं नज़ारा बता रहा था वो थोड़ा और पास आ गया। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है, अल्टीमेट सुंदर है यार, वो पहाड़ बहुत सुंदर है। और देखते हैं ऑर्गेनिक यहाँ है या नहीं है। तू नरा पिटा था मर पे, तेरा बूंदे मारा गया मारा गिर के, त्रीस तीस ही हो रही है। हाँ मारते ही सामान करे तैयार, तू मिल गया अरे नीता मारी तीस तीस ही होगी थी। तेरा जी तो करा था माम बेरा, दो मिनट पहले ऐसा जी करा था तेरे, तेरा त्रिपेंट तार के पटियाली मशीन के मारू। ये सामने खड़ी बाइक पेट्रोल डलवाते ही 10 कदम बाद ये मिल गया जानवर, जो कि हर बार अपने साथियों को छोड़ के भाग जाता है। बड़ा ही घटिया इंसान है। मन तो पता क्या था, पटियाली मशीन चला के इसके दे तना तन दे तना तन। पहली बार पराठे खा रहा है हमारे सामने, जानवर पराठे खा रहा है और पहली बार यही पे स्टे करेंगे। मेरी तो भाई साहब बिल्कुल रोने को हो गया था, क्योंकि लैपटॉप इसके पास, सारा सौदा इसके पास, कॉपी डाटा ट्रांसफर कैसे करता, वाट लग जाती। नूना छोड़ के जाओ भाई, तेरे लैपटॉप में जोड़ा मैंने बेरा है न्यू तो तना डर लग गया अच्छे तन का। लेकिन यार वैसे भी छोड़ के जाना गलत बात है, पीछे हादसा हो जाए कुछ हो जाए उसका क्या मतलब है। चलो सॉरी बोल दी, चलो खा लेते हैं इसके ऑर्गेनिक तेल से खाना खा लेते हैं। इसने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के मन में ऐसा बिठा दिया, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, सिर्फ ऑर्गेनिक खाने का मन करता है। ये भाई साहब देखो टीनू कन्ना में लीड दे रहा, हमारी बात नहीं सुनना चाह रहा। भाई साहब चाइना से गया, चाइना का टाइम लिया है, हमारे मोबाइल में भी वायरस घुसा दिया। देखो 12:44 दिखा रहा है मोबाइल और एक्चुअल में बजे है 10:14। वायरस ठा लिया बता चाइना दे टाइम, आज बच गई इसकी टैट, टीनू की टैट पलाकर गोली। स्नाइपर धैड़ सुन भी रही, देखा भारी बात भी नहीं सुन रहा, कान में पूरी तेज आवाज कर रखी है। तो अभी हमने ये पूरा रूम है जो एक सेकंड बो, पूरा रूम हमने 800 रुपये में बुक कर लिया, वैसे तो 150 रुपये पर पर्सन था, 800 रुपये में पूरा बुक कर लिया। 30 किलोमीटर रोड पे चले होंगे, मतलब वहाँ से मेन रोड तक, बाकी सारा ऑफ रोड था। और इस भाई साहब ने, इसकी शक्ल देख लो ध्यान से, यो रामबज भाई साहब लगा दी मेरे लैपटॉप की लंका। ये देखो लाइन, इतना सस्पेंशन सॉफ्ट होने के बाद टाइगर का फिर भी वाट लगा दी, और ये दो बीच में बिल्ली जैसे पंजे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।